डॉक्टर अंबुज कुमार, डायरेक्टर एंड हेड न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल पटना। ब्रेन ट्यूमर एक गांठ है ब्रेन में बनने वाला, जो कि जिसके होने का कारण एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, एक्सेसिव एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स, जो ब्रेन के अंदर नॉर्मली सेल्स पाए जाते हैं उनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और गलत डायरेक्शन में होने लगे, तब इस प्रकार की गांठ बनने का रिस्क होता है और इसी को हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर के टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये मेनली दो टाइप के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर हो सकता है या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। बेनाइन ट्यूमर को हम नॉन कैंसरस ट्यूमर भी बोलते हैं, ये रिलेटिवली सेफ और लो रिस्क ट्यूमर्स होते हैं, अगर इनका सही समय पर सही इलाज हो जाए तो दीज आर ऑलमोस्ट क्यूरेबल। और फॉर्चुनेटली जो ब्रेन ट्यूमर, मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, अराउंड 70% ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स आर बेनाइन, सो दिस इज वेरी गुड। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, उनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, सब कुछ सही इलाज होने के बाद भी दोबारा से ग्रो करने का या शरीर के दूसरे हिस्से में फैल जाने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम ये पूछें कि ब्रेन ट्यूमर होने का कारण क्या है, तो दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि प्री डिस्पोज करते हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए। एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है, लेकिन जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जेनेटिक्स है। जिन रोगियों में कुछ अलग तरह के स्पेशल टाइप के जीन्स में गड़बड़ी आती है तो वो नॉर्मल सेल्स को गलत डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए फोर्स करते हैं और ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। दूसरा जो फैक्टर, कुछ कार्सिनोजन केमिकल्स होते हैं जिनके एक्सपोजर से भी ब्रेन ट्यूमर का रिस्क होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन रेडिएशन एक्सपोजर है। रेडिएशन किसी भी तरह का हो सकता है, एक्सरे सीटी स्कैन से रेडिएशन हो सकता है, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा से भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर आजकल बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। पारस हेल्थ, स्वास्थ्य में हम कदम।